आगे बढ़ाएंगे, क्या ये विद्यार्थियों के फ्यूचर के लिए अच्छा है या बुरा है? बिल्कुल, ये बहुत ही आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, जिस प्रकार से हमारे यहाँ लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन है जिसके लिए ना एजुकेशनल फैसिलिटी तैयार थी, ना स्टूडेंट्स कम्युनिटी इसके लिए रेडी थी, परंतु आज ऐसे लोग हैं, बहुत कम उनकी संख्या है जो आज ऑनलाइन की मांग करते हैं। तो लेकिन आज हमारे यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पूरे देश भर से 655 डेलीगेट्स प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित रहे, वहीं 17763 डेलीगेट जो थे वो ऑनलाइन माध्यम से उस अधिवेशन के अंदर जुड़े। इस अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद द्वारा 4 प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिन प्रस्ताव में यह मांग रखी गई कि हमारी शिक्षा जो संस्थान है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे देश भर के अंदर, उनको ऑफलाइन मीडियम पर शुरू करना चाहिए। वहीं इसी के साथ साथ विद्यार्थी परिषद द्वारा यह भी स्वागत किया गया कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। जो जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है विद्यार्थी परिषद द्वारा, उसका भी स्वागत किया गया। वहीं इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे कैंपस के अंदर को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, विद्यार्थी परिषद द्वारा यह भी मांग रखी गई। और यह विद्यार्थी परिषद द्वारा मांग की गई कि स्पोर्ट्स बजट को सरकार को, भारत की सरकार को इंक्रीज करना चाहिए। वही हमारी जो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जो विद्यार्थियों को दी जाती है, जो केवल 6600 रुपया पर साल पर ईयर के हिसाब से दी जाती है, उसको भारत की सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको बढ़ाना चाहिए। वही इसी के साथ साथ जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी जो ट्राइबल्स के आइकॉन है, हम सब के आइकॉन है, उनके जन्म दिवस को जो है 15 नवंबर के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। विद्यार्थी परिषद उसका भी स्वागत करती है कि आने वाले समय के अंदर एबीईपी उन ट्राइबल स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करेगी, और कैसे हम लोग जो हैं उन स्टूडेंट्स को भी जो इस समय मुख्य धारा पे हैं परंतु अभी हम उनको किस प्रकार से मुख्य धारा पर ला सकते हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार उसके लिए काम करते रहेंगे। वहीं इसी के साथ साथ जो हमारी छात्राएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जब उनका रिसर्च वर्क चलता है, जब रिसर्च के अंदर काम करती है, तो उनको 240 दिन की चाइल्ड केयर की उनको जो छुट्टी दी जाएगी रिसर्च फील्ड के दौरान, तो विद्यार्थी परिषद उसका भी स्वागत करते। यह विद्यार्थी परिषद के प्रस्ताव में ये चीज़ें पारित हुई हैं।